यहाँ मैं आगे निकल रहा हूँ, 129 तक गई है ये गाड़ी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही लेटेस्ट बाइक आपके लिए लेके आए हम। जैसा कि आपको पता है, पल्सर ने अपनी 150 सीसी की जो पल्सर थी उसको रिन्यू की है, नई डिज़ाइन में उसको लॉन्च किया है P150 के नाम से। तो यहाँ पे ये रही आपकी पल्सर P150, देख सकते हैं। अगर आपने इस गाड़ी का रिव्यू नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। एंड अभी हम करने जा रहे हैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट एक्सट्रीम के साथ। हम आए हैं वाराणसी, ये है हमारे गौरव भाई। गौरव भाई का चैनल है UP65 रेसर, तो इसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो इनके साथ हम रेस करने वाले हैं। थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज मुझे मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि भाई मेरा वेट है 93 kg और इनका वेट है, भैया बताओ यार, 55 kg। तो भाई देख लो यहाँ पे, मतलब 33 हाँ लगभग, मतलब मैं जो चला रहा हूँ वो डबल है और ये सिंगल है, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ सीन होने वाला है। बाकी देखते हैं परफॉर्मेंस में क्या रिजल्ट होते हैं। बाकी आप लोग को ये जैकेट कैसी लग रही है, मैंने जो पहनी है ये जैकेट, भैया अगर बढ़िया लग रही है ना भाई, वैसे तो कंफर्टेबल बहुत है, चेन वेन बहुत बढ़िया है। अगर ये आपको कंफर्टेबल लग रही है देखने में और अच्छी भी लग रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो जाइए मेरे स्टोर में और जाके ये आप बाय कर सकते हैं भाई। लेकिन जैकेट यार बहुत कंफर्टेबल है और अभी ठंडी चल रही है तो भाई लोगों को चाहिए होती थोड़ी सी बढ़िया जैकेट। तो आप देख सकते हो A1 जैकेट है हुडी के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, खरीदिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको ये जैकेट लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेस और आपको दिखाते हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। सो चलिए चलाते हैं। सबसे पहले मैं चलाने जा रहा हूँ पल्सर 150 और गौरव भाई चला रहे हैं हीरो एक्सट्रीम। चलते हैं देखते हैं क्या होते हैं रिजल्ट। बाकी वेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि गौरव भाई का वेट मेरे से बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम हल्के वेट को हरा पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे स्टार्ट, ओ भाई साहब, वेट का इशू तो मेरे को हमेशा से मिला ही है और एक्सट्रीम लेके हम बहुत ही तेजी में अभी तक आगे हैं। कुंदन भैया है पीछे केसी ब्लॉक्स। हैवी वेट होने का डिसएडवांटेज, बट P150 बहुत तगड़ी भाग रही है और यहाँ पे एक लास्ट गियर लगाने में मैं टाइम लग गया, बट देखते हैं आप आते हैं या नहीं। 116 बहुत तगड़ी भाग रही है, देखते हैं बाकी मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। पूरा लेट चुका हूँ मैं, काफी ज्यादा विंड ब्लास्ट में लग रहा है। ये आगे ये लिमिटर जैसी मार रही है, हम तो टॉप गियर पे, फिर भी यहाँ पे थोड़े से ट्रक्स ज्यादा है तो हमको गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा ही ट्रक है, कम भी नहीं है ज्यादा ही है, तो यहाँ पे हमारी रेस रुकती हुई। लेकिन मैं आगे निकल गया हूँ यार, करना है चलो। चलिए फिर से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि पीछे लगे हुए हैं, हम फिर आगे जा रहे हैं। देखिए लाइट वेट को यार एडवांटेज मिलता है इनिशियल में, क्योंकि टॉर्क बहुत ही अच्छा काम कर लेता है, बट टॉप स्पीड में हैवी वेट को भी फायदा मिल जाता है। तो देखते हैं कि कुछ फायदा मिलता है कि नहीं, क्योंकि बहुत आगे निकल गया है। 123 हमें लग रहा है फिर आगे चली जाएगी P150। लग नहीं रहा मुझे कुछ फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ मैं आगे निकल रहा हूँ, 129 तक गई है ये गाड़ी। कितना दूर है पता नहीं, है आ गई, ये आ गई फिर से 129, इसने पकड़ा है।
यहाँ पे थोड़ी रोड ऊपर नीचे है क्योंकि मैं आया हूँ वाराणसी, और ये वाराणसी की रोड में ऊपर नीचे होने के कारण स्पीड बहुत अप एंड डाउन हो रही है, बट एडवांटेज तो मिलेगा भाई, जितना भी लो वेट वाला होगा बंदा उसको एडवांटेज मिलना तय है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और आपको बताते हैं कंक्लूजन एंड राइडर चेंज करते हैं। एक्सट्रीम ने इनिशियल बहुत बढ़िया लिया और इसने भी लिया, इसने टॉप एंड बहुत बढ़िया अचीव किया, 129 गई है भाई, 129। तो भाई अभी आप लोग ने देख लिया है, अब राइडर चेंज करते हैं और देखते हैं उस साइड से लगाते हैं और पता चलेगा कि विंड ब्लास्ट का भी थोड़ा सा अंतर है कि नहीं है। और मैं थोड़ा भारी, इसमें देखिए पावर ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा भारी इंसान को बैठाएंगे और देखेंगे भारी इंसान जब बैठता है तो क्या रिजल्ट होते हैं। तो चलिए हम चलाने जा रहे हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम की हालत कुछ अच्छी नहीं है, बाकी इनने चलाया था अपनी वेट पे तो बहुत ही बढ़िया भागी थी। अभी हम अपने वेट पे देखते हैं कितनी भागती है। थोड़ा गियर ना उठाना पड़ रहा है और मेरा जूता फंस जा रहा है उसमें। एडवांटेज मिल गया उसको। यहाँ हम आगे जा चुके हैं, बहुत तगड़ा, मैं सारी रेसेस हारने वाला हूँ इससे, इतना तो तय है। टॉप गियर में आ चुके हैं इसके, हम स्लिप स्ट्रीमिंग में लगे हैं वो, बट हमें लगता नहीं कि इसके पास आ पाएंगे। इतना ज्यादा वेट है मेरा, उससे दो लोग को बैठा के करना पड़ेगा। बहुत आगे निकल गया भाई, बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। उनका वेट भी है मेरे से ज्यादा, तो उनको काफी चीज का डिसएडवांटेज है। कोई मतलब नहीं है, मैं तो जैसे लग रहा है कि बस भगा रहा हूँ गाड़ी को, और ये जूझ रही है 113 पे, ये भाग ही नहीं रही है उतनी। वेट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब ये देखो जाने के लिए बोल रहा है आगे, हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर तक जा सकते हैं। फिर भी वो मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और आप देख सकते हो कितना इजली हम चले गए आगे। मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक मैं जीत पाऊंगा। वो बहुत आगे निकल चुका है फिर से। ये होता है वेट का भी डिफरेंस। आगे कर रहा है, लीड मिल रही है उसको, लीड मिल गई है। कोई मतलब नहीं है, वो देखो बहुत मुश्किल है हीरो को जीतना। कोशिश करते हैं एक बार स्लिप स्विमिंग कर गए। स्ट्रीमिंग करके आगे आया हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है निकल जाएगी वो। ओ भाई साहब, स्लिप स्ट्रीमिंग करके मैं पहुंच गया पास में। तो स्लिप स्ट्रीमिंग करके मैं देखो मैं पहुंचा तुम्हारे पास में। मैंने बोल दिया भाई मैं नहीं जीत सकता इससे, चाहे मैं कितना अच्छा स्किल वाला लॉन्च कर दूं, भाई वेट का इतना डिसएडवांटेज मिलने वाला है ना मेरे को कि कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई अभी आप लोग ने रिजल्ट देख लिए हैं, स्लिप स्ट्रीमिंग के बाद ये आगे बढ़ गई, हालांकि इसकी हालत ख़राब है, ये एकदम नई है, तो मेरे को लगता है कि भाई इसमें है पोटेंशियल, लेकिन नई होती ना तब पता चलता। तो अभी आप लोग के सामने रिजल्ट है, बाकी वेट कम करो अगर आप लोग को किसी से जीतना है रेस में। वैसे तो भाई परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी, मेरे वेट में भी मेरे को कंफर्टेबल राइड मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए। और अगर ये जैकेट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके मेरे स्टोर से आप खरीद सकते हैं। चलिए बाय बाय।